अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका खादिम खादिम जी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केजी मार्केटिंग। इस वक्त हम एक सूफ़ी दरवेश आलिम और बहुत ही पश्तो ज़बान के उम्दा शायर रहमान बाबा के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं, तो आइए अंदर चलकर आपको इस मज़ार की ज़्यारत कराते हैं। रहमान बाबा का पूरा नाम अब्दुलरहमान मोमन था। आपके वालिद का नाम अब्दुल सत्तार गोरिया खेर था, जिनका शुमार कबीले के अमीर तरीन अफराद में होता था। लेकिन इसके बावजूद रहमान बाबा ने आजजी, फ़कीरी और दरवेशी की ज़िंदगी इख्तियार की। आपकी तारीख़ी पैदाइश 4 अप्रैल 1632 बताई जाती है और आपने 76 साल की उम्र में 1706 में वफात पाई और यहाँ हज़ार ख्वानी में रिंग रोड से तकरीबन 400 मीटर दूर दफन हुए। आप पश्तों के अलावा फारसी और अरबी ज़बानों पर भी महारत रखते थे। रहमान बाबा पश्तो ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर होने के साथ साथ माहिर फ़िक्का भी थे और तसव्वुफ़ पर भी बड़ा अबूर रखते थे। आपकी शायरी एक दीवान की शक्ल में मौजूद है, जिसमें 343 नज़में लिखी गई हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं। आपके दीवान की मुतरजम कापियाँ ऑक्सफोर्ड समेत दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई हैं। उनका एक शेर है, अखपल परदे पके मालूम शिया रहमाना कला कला दगमनो बारान खवी, यानी अपने और पराए की पहचान कर देती है, कभी कभी गम की बारिश अच्छी होती है। रहमान बाबा के दीवान का तर्जुमा उर्दू, अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी और जर्मनी समेत दुनिया की दीगर ज़बानों में हो चुका है और एक बड़ी तादाद में लोग उनकी शख्सियत और कलाम पर PhD कर चुके हैं। उनका एक शेर है, जे नज़र के दे ऐब नवी रहमाना अखबुल मख्ता पकतो के गुनाह निश्ता, यानी कहते हैं कि ना हो ऐब निगाह में तो ऐ रहमान, चेहरे हसीन को तकने में कोई गुनाह नहीं। आपने इस्लाम के असूलों को कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी शायरी का मौजू बनाया। आपने हमेशा आजजी, सादगी, वफादारी, अमन मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। पेशावर के मशहूर आलम अमीर मोहम्मद, जो हरफ आम में मौलाना बिजली घर के नाम से मशहूर हैं, उनके बहुत बड़े मुद्दा थे और रहमान बाबा के कलाम और उनके हालात ज़िंदगी पर बड़ा अबूर रखते थे। उन्हें ये अनोखी सआदत नसीब हुई थी कि उन्होंने लहर में पड़े रहमान बाबा की ज़्यारत का शर्फ भी हासिल किया था। वो अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं कि एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के शहनशाह ज़ाहिर शाह ने पाकिस्तान को संग मरमर के बनाए हुए दो मज़ार, या जिन्हें तावीज़ भी कहा जाता है, तोहफे में दिए और कहा कि एक को खुशहाल खान खटक के मकबरे की जीनत बनाया जाए और दूसरे को रहमान बाबा के मकबरे की जीनत बनाया जाए। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त दारुल उलूम सरहद में मुतर्रिस था और अक्सर पेशतर रहमान बाबा के मज़ार पर जाया करता था। एक दिन हसब मामूल में वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि रहमान बाबा के मकबरे के इर्द गिर्द खुदाई की जा चुकी है, ताकि शहनशाह ज़ाहिर शाह का दिया हुआ संग मरमर का मज़ार या तवीज़ वहाँ पर फिट किया जा सके, नस्ब किया जा सके। मैं वैसे ही इसमें उतर गया और जबल लेकर लहद में छेद कर डाला। उफ, क्या रूहानी नज़ारा था! रहमान बाबा की दाएं जुल्फ दाएं तरफ सीने पर और बाएं जुल्फ बाएं तरफ सीने पर मौजूद थीं। मैंने हाथ लगाकर उनके चेहरे मुबारक को छूहा। वो इतना तरोताज़ा था जैसे अभी अभी गुस्ल दिया गया हो और कफन ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी पहनाया गया हो। मैंने उनके चेहरे मुबारक पर अपना हाथ फेरा। उनका नाक, होंठ, आँखें, गाल और दाढ़ी सब बिल्कुल एक ज़िंदा इंसान की मानिंद थी। सच है कि अल्लाह के वली वो शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। बाबा ने कुरान व हदीस की रोशनी में अपनी शायरी के ज़रिए अखलाकियात का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाया।
रहमान बाबा की शायरी हमें वफादारी, अमन और सादगी का दर्स देती है, पैगाम देती है।